को अगर ऑर्डर लाना है एक्सपोर्ट का, वो भी अनलिमिटेड, तो वो कैसे ला सकते हो आप उसके बारे में। शुरुआत करते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर ला सकते हैं। जिन कोई भी क्वेश्चंस होंगे आज ऑर्डर के रिलेटेड, लाइव बायर आपको फाइंड करना है, तो उससे हम लोग आज पूरा डिटेल एनालिसिस करके आज हम लोग चेक करेंगे। एंड यस काली प्रसाद जी नमस्कार, वेलकम टू द लाइव शो, थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग। आज का गेट अनलिमिटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की भरमार है आज की तारीख में, बट लोगों को पता नहीं है कि कैसे लाना है। एंड अगर वो ऑर्डर्स आ भी जाता है तो लोगों के पास फुलफिल कैसे करें, वो फुलफिल कैसे करा जाएगा, लाइव फाइंड कैसे करेंगे हम बायर, कौन कौन से टेक्निक्स होती है, वो कुछ टेक्निक्स आज हम यहाँ पे लाइव फाइंड करेंगे आपके ही प्रोडक्ट्स को लेकर, आपके ही प्रोडक्ट्स को लेकर लाइव आज हम लोग फाइंड करेंगे। ओके क्ले ब्रिक्स, यस सर आज हम डेफिनेटली कवर करने जा रहे हैं, डोंट वरी। यस बंटी शर्मा जी नमस्कार। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऑर्डर्स तो अवेलेबल हैं बट बायर के साइड से, बट यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो लोग फिर भी बायर फाइंड करते हैं। मेरा सिर्फ दो ही क्वेश्चंस होते हैं, क्या बायर फाइंड करना इतना डिफिकल्ट है आप लोग के लिए? क्या बायर फाइंड करना डिफिकल्ट है आपको लोग के लिए? हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसको कैसे फाइंड करना, किस वे से फाइंड करना, बायर्स जेन्युइन है या नहीं है, ऑर्डर कैसे आएगा, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या डिलीवर टर्म्स है, क्या पेमेंट टर्म्स होंगे, कैसे जाएगा, इनको टर्म्स क्या रहेगी, शिपिंग कैसे होगा, बहुत सारे टेक्निकल डाउट्स होते हैं। जितना हो सकेगा उतना मैं यहाँ पे बायर फाइंड करने के लिए, ऑर्डर्स लाने के लिए मैं आपको ट्राई करूंगा। पर सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, मैं एक यहाँ पे सेम ये मेरी टीम है ऑलरेडी। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों को कैसे बार फाइंड करे जाते हैं, सबसे पहले तो मैं जानूंगा। ऑर्डर तो सेकंड या थर्ड स्टेज पे आता है, फिर भी आप मुझे बताइए कि अगर आपको ऑर्डर लाने हैं तो सबसे पहले वो ऑर्डर आएगा कहाँ से, वो बाहर से ऑर्डर आएगा। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप बायर किस किस कैसे फाइंड करेंगे, मुझे ये बताइए आप कैसे फाइंड करेंगे बायर प्लीज। ई कॉमर्स कितना कमीशन लेते हैं ऑर्डर पे, कौन सा सबके, धनंजय जी ई कॉमर्स टोटल के सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं और वो अलग अलग चार्जेस कैटेगरी वाइज भी होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी है तो अलग जाएगा, आपका ब्यूटी का कैटेगरी है तो अलग जाएगा, उसको भी आज अगर टाइम मिला तो हम लोग लाइव कोशिश करेंगे, लेट्स सी। आपको मैं जानना चाहूंगा। सैयद जी लेदर प्रोडक्ट और अर्बन, ठीक है। कैसे, मैं अभी से पूछता हूँ, कैसे कैसे फाइंड करोगे? अगर आपको मैं आज बायर फाइंड करके दे देता हूँ, ऑर्डर कैसे लाओगे आप, कैसे ऑर्डर लाओगे? इंडिया मार्ट एक्सपोर्टर इंडिया से, बी टू बी बायर फॉर अलीबाबा, ठीक है कुणाल जी, संदीप जी थैंक यू सो मच। और कोई व्यूवर मेरे शेयर करने चाहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आज लाइव सेशन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज इस पे व्हाट्सएप करें ना कि कॉल करें, एम्बेसी से, शिपिंग लिस्ट से, ठीक है। यस जी वेलकम करता हूँ मैं आपका, ठीक है। और कुछ, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आपके बायर आपको मिलेंगे कहाँ से, तो ऑर्डर तो सेकेंडरी बात है, बट आप बायर कहाँ से लाओगे? लोग हमेशा पूछते हैं कि सर मेरे को बायर ढूंढ दो, बायर आपको मुझे प्रोवाइड करवा दो, बाकी तो मैं कर लूंगा। सर आपका प्रोडक्ट की रिलेवेंसी डिटेल्स आपको होनी चाहिए आपके पास में, बायर्स आपके पास में रिलेवेंसी डिटेल्स मिलेगी लिंक्डइन से, एम्बेसी से। सर कोटेशन भेजेंगे क्या? बिल्कुल से मोहम्मद कालिफ जी, कोटेशन आपको भेजेंगे। सर आपके द्वारा ईमेल नहीं आया, ऋषि जी मैं आपको अभी फॉरवर्ड करवा देता हूँ टीम को बोल के, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने फॉरवर्ड तो कर दिया था, थोड़ा वेट करो, मे बी पॉसिबल कि अभी हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है ना तब तक आपको ईमेल आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए।
और आ जाता है तो प्लीज आप कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपका ईमेल आ गया है। तो मैंने आपको बोला था कल के दिन में, तो अभी दिन तो पूरा मतलब 12 बजे खत्म नहीं है, बट फिर भी मैं डिले के लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल्स की वजह से। यस, सोशल मीडिया से, ट्रेड मैप से, ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। ओके यस, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे कुछ नेम्स भी बताए थे कि इधर से बार फाइंड कर पाएंगे, तो मैं 30 का यहाँ पे लेके चल देता हूँ। ओके, कौन कौन से वेज आप फाइंड करेंगे? क्या लिखा हुआ है आपने? लिंक्डइन, लिंक्डइन से बार फाइंड करेंगे। इंडियन एम्बेसी, ओके, इंडियन एम्बेसी से सोशल मीडिया, ओके, ट्रेड मैप, ओके, पोर्ट डेटा, ओके, फिर ट्रेड फेयर, गुड, ओके, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट, ओके, एक्सपोर्टर्स इंडिया, मतलब बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हो गए, अलीबाबा उसके अंदर आ गया पूरा सब कुछ, ठीक है, बी टू बी प्लेटफॉर्म्स, ओके, और कोई? ओके, थैंक यू अक्षय जी, प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। यस अक्षय जी, राम राम। ट्रेड फेयर, ब्रिक्स, ओके, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा जीएसटी स्लो मोटो कैंसिल किया है, क्या करें? अभी 31 दिसंबर को कैंसिल किया है, कुछ सॉल्यूशन है क्या? प्रशांत जी, इसके लिए आप हमारा जो एक आईवीआर डेडिकेटेड नंबर है उस पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आप जीएपी के इसमें कनेक्टेड हैं तो, और आप चैट बॉक्स पे भी आप जा सकते हैं। यस, सोशल मीडिया एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल, ईपीसी, ओके, पीआईओ, पीओ, ट्रेड इंडिया इज समथिंग, बी टू बी हो गया, और क्या था, लिंक्डइन हो गया। तो ये कितने सारे वेज से आप अपना फाइंड कर सकते हैं, कितने सारे वेज हैं। लिंक्डइन हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हाउ टू, यहाँ पे पोर्टल सोर्सेस, सॉरी सोर्सेस लिख देता हूँ, सोर्सेस टू फाइंड, सोर्सेस टू फाइंड बायर्स, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इसके ट्रेड इंडिया, ओके, ठीक है, दिस ऑल आर द वेज। अभी तक जितनों ने भी जो अपडेट करा है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दी। मैं इसीलिए आप लोग से पूछता हूँ क्योंकि आप जब भी कमेंट करेंगे ना, आप जब भी कमेंट करेंगे तो आपका भी एक जो ब्रेन है वो ओपन होता है, कि वो सोचने पे मजबूर करता है कि कौन कौन से वेज है। अगर आप सोचोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे फिर वो कुछ भी हो। कुछ कुछ लोगों के बुरी लगे की बात, बट ये मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूं आज की तारीख के अंदर, क्योंकि अगर आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लेंगे ना, और डिफिकल्टी आनी ही आनी है, डिफिकल्टी आनी ही आनी है, चाहे फिर वो कोई भी सोर्स लगा दो। आपने जिन्होंने भी यहाँ पे ये अपना पोर्टल्स बताए हैं, उन्होंने अपना ब्रेन ओपन करा है, सोचा है, तभी जाके ये इतने सारे सोर्सेस मेरे पास में आए हैं वेज फाइंड करने के लिए। तो मैं अभी ओके, चलो हम लोग लाइव हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको बायर फाइंड करने के पहले आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आई होप आई एम, आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज होता है। ओके, इंडियन सुपर मार्केट इन अदर कंट्रीज कैसे फाइंड करेंगे? महेश जी, आपने जो लिखा है, आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इंडियन एम्बेसी को क्या ईमेल करेंगे? सोशल मीडिया के ऊपर कैसे फाइंड करेंगे? ट्रेड मैप पे आज कैसे फाइंड करेंगे? वहां तो पुराना डेटा पड़ा रहता है, अभी 2022 चल रहा है, 2020 का डेटा आपको वहां पे मिलेगा, कैसे फाइंड करो? पोर्ट डेटा, क्या जो पोर्ट डेटा आपके पास आ रहा है, क्या वो एक्चुअल डेटा है आपके पास में? क्या जो पोर्ट डेटा आ रहा है, क्या वो एक्चुअल डेटा है आपके पास में? क्या पता जो आपको एक्सेल शीट जो शेयर करी हो, वो एक्सेल शीट जो है
वो एक्सेल शीट के अंदर जो डेट्स आ रही है वो डेट आपको चेंज करके दे दी गई हो और 2 साल पुराना डेटा हो, कैसे ऑथेंटिकेट करोगे? कोई सोर्स नहीं ऑथेंटिकेट करने का। ट्रेड फेयर जहां पे आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, ट्रेड फेयर जहां पे आप पर्सनली विजिट कर सकते हो, बी टू बी प्लेटफॉर्म्स ओके, ये अपना बी टू बी प्लेटफॉर्म्स हो गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज द गन एंड फियो इज ऑल्सो गुड ऑप्शन ओके। ऑटोमोबाइल पार्ट्स ओके, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए बिल्कुल से आप वहां पे यस, आप जब भी बाहर के साथ में कम्युनिकेट करेंगे आपको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए। चलिए अब हम लोग ये इतने सारे वेज आपने बताए, आपने आपका ब्रेन ओपन करा, अब हम लोग लाइव बायर फाइंड करते हैं कि आप ऑर्डर अनलिमिटेड कैसे ला सकते हैं। पहली चीज, आगे बढ़ने के पहले मैं सभी व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी ये फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे हिट करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको हमारी तरफ से मिलते रहे। ऑलवेज ऑन का नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है। हम मंडे टू सैटरडे लाइव आते हैं 9 बजे आपको नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। उसमें अगर आपको कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए रहता है आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन इज द ट्रेड फेयर ओके, और कुछ दैट इज द थिंग ओके। हम फाइंड करते हैं अनलिमिटेड ऑर्डर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हाउ टू गेट अनलिमिटेड ऑर्डर्स, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। इंडियन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, आई गॉट योर पॉइंट ओके प्रशांत जी, वायस जी थैंक यू सो मच। तो ये वेज है जहां पे अगर जिसको नहीं पता है, जो लोग ने एक एक दो दो लिखे हुए हैं तो उन लोगों के सामने में इतने सारे सोर्स आया हूं, इतने सारे सोर्सेस होते हैं जहां से आप अपना बायर फाइंड कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके सामने, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आप कैसे बायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप कैसे बायर फाइंड करेंगे, इंडियन एम्बेसी पे कैसे बाइंग करेंगे, सोशल मीडिया पे, इसका एक सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट जो है मैं आपको कवर कर लेता हूं। लिंक्डइन के ऊपर आपको जो भी बायर चाहिए, सबसे पहले आपका प्रोडक्ट मैं आपको यहां पर लिख भी देता हूं, आइडेंटिफाई the market first. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां पर जा रहा है। अगर आपने गलत मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया, आपको बायर क्या, ऑर्डर तो दूर की बात है, बायर ही नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली बात तो ये, आप क्लियर कर लीजिएगा। यस अर्नब जी डोंट वरी, आपको अभी थोड़ी देर में रिसीव हो जाएगा, जस्ट लेट मी चेक अगर कुछ है तो ओके। आइडेंटिफाई द मार्केट फर्स्ट, अगर आपका मार्केट गलत है, आपके प्रोडक्ट, आपने बोला कि नहीं मुझे तो जो है यूएसए में सेंड करना है, बट आपका जो प्रोडक्ट है वो यूएसए मार्केट के लिए बनी है, वहां पे हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो वहां पे एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है यूएसए में, वो तो गल्फ में हो रहा है, तो आपने गलत मार्केट पकड़ा। और गलत मार्केट पकड़ा तो ये सब जो है ना, ये जो आपने सोर्सेस बताए ना, ये सब फेल है, ये सब है। अगर आपने गलत मार्केट पकड़ा और गलत मार्केट में ये सब कुछ आपने जो करा, जो आपने यहाँ पे मुझे सोर्सिंग के तौर पे बताया हुआ है, ये सब कुछ फेल होगा। हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्रोडक्ट का आपको पता होना चाहिए कि वो मार्केट कौन सा है, आपका एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है वो कौन से सबसे ज्यादा मार्केट में जा रहा है। या फिर ये दूसरे वर्जी से आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे लिखा था ट्रेड मैप, ट्रेड मैप से आप मार्केट पता कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है, और उसी के रेशियो के अंदर वो जो कंट्री जो इंपोर्ट करती है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करती है, क्या उसमें इंडिया का नाम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो आप चेक करिए, सोर्सेस टू फाइंड बायर, हाउ टू फाइंड बायर। अब हम लोग लाइव चलते हैं, लाइव थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। कोई भी, अगर आपको इंडियन एम्बेसी को ईमेल करना है तो आपको इंडियन एम्बेसी को क्या ईमेल करना है वो आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको, यस
आपको यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से आपको बायर्स के लीड बहुत अच्छे से मिल सकती है, ईपीसी और फीओ, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और फीओ, यहाँ से आपको बहुत अच्छी सी लीड मिल सकती है। लेट मी चेक कि शायद मैं आपको कुछ अच्छी लीड्स फाइंड आउट करके दू यहाँ से, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो दो आरसीएमसी के अंदर है, एक है हमारा अपेडा में, दूसरा है हमारा फीओ में, तो दोनों जगह हमारा आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन है। तो एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स है वहां से आपको फाइंड करने हैं तो आप मुझे बताइएगा, मे बी पॉसिबल कि वहां पे कुछ अवेलेबल होगा बायर की डिटेल्स, तो वहीं से आप अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ओपन द अपेडा। मैं अपेडा में लॉग करके आपको लाइव बायर फाइंड आउट करके हम लोग देखेंगे कि कहां पे से आप बायर फाइंड कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट हम लोग वहां लेंगे, आप ही प्रोडक्ट मुझे बताएंगे, और यहां से अगर वो अवेलेबल हुआ तो आप डायरेक्टली बायर को कनेक्ट भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट ओपनिंग द सेम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बाकी किसी के कोई भी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप हमें लाइव चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं सर। ओके, मैं लाइव ही आपको लेके चलता हूं, जस्ट अ मोमेंट। तो ये मैंने अपेडा की जो साइट है वो ओपन कर ली है यहाँ पे। ओके, ये मैंने अपेडा की साइट ओपन, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अनियन 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 मैदा अनियन। ओके, ओ माय गॉड। ओके सुमित जी, आप एक ही बार लिखेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिएगा। ये अपेडा यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेड लीड्स, ये आपको ट्रेड लीड्स यहाँ अपडेटेड है, या आपको यहाँ पे अपडेट करना है, क्लिक करना है ट्रेड लीड्स पे। सर्चिंग चल रहा है, लेट्स सी। इतनी सारी देखो डीजीएफटी की साइट, इतनी सारी साइट्स ओपन है तो वो हो जाता है, सॉरी उसके लिए। स्लो चल रहा है सिस्टम आई थिंक। ओके, कैश्यू, ओके जूट बैग सर, ओके दोनों ही ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ पे, फियो भी ओपन कर लेता हूं मैं, लेट्स मी चेक। फेडरेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बाय सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, व्यू ट्रेड और टेंडर क्वेरीज, व्यू ट्रेड और टेंडर क्वेरीज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाय लीड्स पे क्लिक करना है, ये बाय लीड्स आपको देखना है यहाँ पे कि आपको लीड्स बाय करनी है, जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली होगी बाय के लिए उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, प्लीज गिव मी एडवाइस फॉर पेपर प्रोडक्ट्स, आप कर सकते हैं पेपर प्रोडक्ट्स भाविन जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी चेक, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो मुझे कुछ स्लाइड बंद करनी रहेगी, मैं वो बंद करके, सभी स्लाइड्स बंद करके मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ मैं आपसे। पेड़ा, ओके डीजीएफटी, ओके आई थिंक साइट ही स्लो चल रही है मेरे ख्याल से, तो ऐसा लग रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पे मेरा फियो का एक ओपन हो चुका है यहाँ पे ट्रेड पोर्टल्स में। तो यहाँ पे आपने क्या करा था, ये होम पे वापस मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ, मैं ये होम पे मैंने क्लिक करा है, क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ से।
ये पूरा ये फियो का ऑर्गेनाइजेशन का आ गया। यहाँ पे मैंने आपको क्लिक करा था व्यू ट्रेड और टेंडर इंक्वायरीज, तो यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे इंक्वायरीज डाली होगी वो इंक्वायरीज यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ओके तो ये आपके सामने इंक्वायरीज है, आप देख सकते हैं ट्रेड एंड टेंडर इंक्वायरीज, आप देख सकते हैं ट्रेड एंड टेंडर इंक्वायरीज। आई होप आपको विजिबल है ये, प्लीज लेट मी नो अगर विजिबल है तो प्लीज लेट मी नो। जस्ट लेट मी नो कि क्या ये आपको विजिबल है। ओके मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ उसके लिए जो अपेडा है। सो लाइव हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी तो फेस हो रहा है। आप सोच लो यहाँ पे मुझे डिफिकल्टी इतना फेस हो रहा है तो आपको कितना हो रहा होगा, जब आप फ्रेश लॉग इन करेंगे तब आप कितना डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। सी यहाँ पे कैचा भी नहीं आ रहा है। सो ये आप आपके सामने लीड्स चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे अल्जीरिया, अल्जीरिया से हमें 10 लीड्स आई हुई है। यहाँ पे आप चेक करें 10 लिखा हुआ है, तो जो 10 लिखा हुआ है ये अल्जीरिया से हमको लीड्स आई हुई है। तो अल्जीरिया से यहाँ पे बेलारस से 36 लीड्स है, ऑस्ट्रेलिया से 23 लीड्स है, मतलब ये बायर्स ने इंक्वायरी डाली है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दू, ये बायर्स ने इंक्वायरी डाली है। यहाँ पे बांग्लादेश से 28 है, कैनेडा से 1 है, कुबा से 1 है, चिली से 10 है, क्रोशिया से 2 है। वैसे यहाँ पे अल्फाबेटिक आप जो चेक कर रहे हैं ये बायर्स का यहाँ पे डेटा है, आयरलैंड से 2 है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंक्वायरीज में कहाँ से डालू। मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ, मैं लेट मी चेक। तो हम लोग आई होप आपको दिख रहा होगा, लेट मी कंफर्म वंस। ओके आपको दिख रही है यहाँ पे, प्लीज आप मुझे कोई कंफर्म करेंगे मेरे को यहाँ पे प्लीज। ओके जूम, सर यहाँ पे जूम नहीं हो पा रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि पूरी वेबसाइट है इस वजह से, ये वेबसाइट है पूरी इस वजह से ये जूम नहीं हो पा रहा है। मैं ट्राई करता हूँ, इज इट फाइन अभी, ठीक है। मैंने जूम करा है थोड़ा सा वेबसाइट्स को, ये अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखिए, वापिस से मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे बायर्स की आपको इंक्वायरीज आती है कृणाल जी, यहाँ पे बायर्स की इंक्वायरी। अब यहाँ पे जो है ये अल्जीरिया है, यहाँ पे अल्जीरिया से 10 इंक्वायरी आई हुई है, यहाँ पे अर्जेंटीना से 10 इंक्वायरी आई हुई है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश से 28 इंक्वायरीज है, बेलारस से 36 इंक्वायरीज है। तो ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज जो है बायर्स पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें ऑथेंटिकेट करना रहता है कि बायर सही है या नहीं है। जो यहाँ पे इंक्वायरीज आती है वो भी उन लोग को भी पता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया से ही आ सकता है, उनको पता है कि इंडिया के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आउट ऑफ इंडिया जाके ये क्लियर करता है, ये आउट ऑफ इंडिया जाके ये अपना ट्रेड एग्जीबिशन खुद का ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज एन फियो। आज की तारीख में फियो एक ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर मैं यहां पे कोई भी एक इंक्वायरी अपडेट करना चाहूं, अब जैसे अल्जीरिया बांग्लादेश लेते हैं, नजदीक में है बांग्लादेश, मैंने क्लिक करा, यहां पे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉग इन आई डी पासवर्ड पूछेगा, लॉग इन आई डी पासवर्ड आपको पूछेगा यहाँ पे, लेट मी चेक। IFOFBKT ओके वेरीफाई करें, लेटर्स इमेज बाय लीड्स नो
तो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे, मे बी पॉसिबल कुछ तो कैरेक्टर्स यहाँ पे गलत हो रहे हैं, ऐसा कुछ है। यस, नाइट्स विजिबल, दोनों जगह पे आपका जो साइट है वो आप देख सकते हैं, ये लीड्स है पूरी। तो आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी लीड्स यहाँ से चाहिए। दोनों लीड्स मेरे पास में है, दोनों लीड्स मेरे पास में है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको जाके आपको चेक कर लेता हूँ मैं कि कौन सी लीड्स आपको चाहिए। ओके, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी सबकी क्वारी की इंफॉर्मेशन दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लाइव हम लोग फाइंड करके देखते हैं। सो आप मुझे बताइए कि आपको बहुत से लोगों ने अनियन पे, बहुत से लोग जो है वो रुक गए थे, तो अनियन ही देखना है या कोई और प्रोडक्ट भी देखना है आपको? जस्ट गिव मी, आप मुझे बताइए अनियन ही देखना है या और कोई प्रोडक्ट देखना है? बहुत सारे यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, प्लीज। ओके ठीक है, फायर हंट, ओके, टूथपेस्ट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंट्री वाइज फाइंड कर सकते हैं, और अपेडा जो यहाँ पर है ये एक्चुअल लीड्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लेटेस्ट पोस्टेड, आज ही कल के 2 दिन पहले ही पोस्ट हुई है, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं, सी ये यहाँ पे ही है। अदर फ्रेश फ्रूट्स, इनको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये ईरान से आई है इंक्वायरी, ये 27 जन को आप देख रहे हैं यहाँ पे, 27, ये ईरान से इंक्वायरी आई है, ये 27 जन को ही पोस्ट हुई है, मतलब 2 दिन पहले ही पोस्ट हुई है, और ये अप्रैल 27 तक अवेलेबल रहेगी, ये इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है जहां पे ये अपडेट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे या तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रिलेटेड यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप, ये प्रोडक्ट ग्रुप है, यहाँ हम जो आपको प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। ओके जस्ट अ मोमेंट, ये पूरा प्रोडक्ट ग्रुप है, आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें से बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड ही करना है, जिसका बायर आपको फाइंड करना है, डू लेट मी नो। चिली सॉरी, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली, चिली यहाँ पे, ओके, अनियन, ओके, फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश अनियन, फ्रेश अनियन के लिए हम लोग देख लेते हैं, लेट्स सी, यहाँ पे सर्च करा है हम लोग ने, सिर्फ सर्च करा है फ्रेश अनियन का, लेट्स सी क्या अपडेट आता है। ओके, तो ये इंक्वायरी आई है दिसंबर को लास्ट, मतलब अभी चल ही रही है, ये सिंगापुर से आ रही है, दिस इज अ लाइव। उनको क्या चाहिए? फ्रेश अनियन चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनको फ्रेश अनियन चाहिए, ये सिंगापुर से इंक्वायरी आई है, वी रिक्वायर्ड 140 फिटर रफर कंटेनर ऑफ ऑनियन फॉर जेबर अली से इंक्वायरी है, और इन कंपनी जो है वो सिचुएटेड है सिंगापुर के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एन लाइव विच आई एम शेयरिंग विथ यू, ये लाइव है। नीचे जाते हैं, ये यूएई का है पर्टिकुलरली, ये यूएई में इनको चाहिए, वी नीड सप्लायर एक्सपोर्टर फॉर ऑनियन मिक्स वेजिटेबल्स, ये ऑनियन के लिए ही है, ये सुदान से आई है, ये सुदान से अपना इंक्वायरी है पूरा, ये इजिप्ट से इंक्वायरी आई है फ्रेश 3 नवंबर को, जो लेटेस्ट इंक्वायरी होगी ना वो आपको अपने ही मिल जाएगी, जो लेटेस्ट इंक्वायरी वो आपको सबसे ऊपर मिलेगी, उसके बाद में रिफ्रेश होते होते नीचे नीचे तक जाएगी, ये ऐसी इंक्वायरीज है। यस, आपको अर्नब जी इसके अंदर आपको अगर लॉगिन करना है तो आपको इसका पेड मेंबर बनना पड़ता है, और ये भी इंक्वायरीज जो आती है सर, इसमें भी आपको आपकी तरफ से ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है,
ये लाइव बायर का लिस्ट में आप शेयर कर रहा हूं मैं, तो चाहे आप यहाँ पे सिंगापुर जो है, यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है देख लिए यहाँ पे peacockcommodities.com.sg, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना .in मतलब इंडिया का, अगर बांग्लादेश का साइट होगा ना तो .bd होगा, अगर यूएई का साइट है ना तो .ae होगा, अरब एमिरेट्स का, वैसे ही यहाँ पे SG जो है वो सिंगापुर का है। मतलब ये ईमेल आईडी के ऊपर भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉट तो ग्लोबल है हमारा, तो वो इसके ऊपर आती है। ये अपना अनियन के लिए हो गया पूरा, जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ सिंगापुर, यूएई, इसके बाद में है इजिप्ट, इजिप्ट से आपको इंक्वायरी आई है यहाँ पे, इसके बाद में है वाल्फ पेट्रोए का, साउथ अफ्रीका से भी इंक्वायरी आई हुई है यहाँ पे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ली, तो यहाँ पे सिंगापुर है, तो अब मेरे को यहाँ पे क्लिक ऑन मोर इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। मुझे इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये है क्या एक्चुअल में, बाकी आपको यहाँ ऊपर ही आ जाता है लिखा हुआ। अगर आपको और इन डेप्थ डिटेल्स में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, उसकी पूरी ट्रेड की इन्फॉर्मेशन यहीं पे आ जाएगी। अगर आपको रिप्लाई देना है, अगर आप पेड मेंबर है तो यहाँ पे आप रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, लाइक मैं यहाँ पे रिक्वायर अमाउंट हमारी तरफ से अगर आपको देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं और मैसेज दे सकते हैं कि हम आपको सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज इन लाइव। अब इसी के साथ में मैं यहाँ पे मैंने क्लिक करा था, जैसे मैंने कहा था कि बांग्लादेश, मैं आपको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, मैं जैसे मैंने यहाँ पे कहा था बांग्लादेश, बांग्लादेश में 28 इंक्वायरीज है, बांग्लादेश में 28 इंक्वायरीज है, तो 20 यहाँ पे मैं बांग्लादेश पे, अब मैंने लॉग इन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना बांग्लादेश पे, बांग्लादेश से जिन जिन लोगों ने इंक्वायरी डाली होगी बायर के, उनको इंडिया से क्या चीजें चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेगी, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका एड्रेस, वो सब आएगा। सी आपको देख पा रहे हैं, बांग्लादेश कृषि बैंक है यहाँ पे, ये पूरा ईमेल आईडी उनका, ये डिटेल्स है, उनका एड्रेस ये है पर्टिकुलरली, उनको क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और आइडिया आएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ये है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, वैसे ही बांग्लादेश एयरलाइंस लिमिटेड है यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रिंटिंग और भी बहुत सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग और डिटेल्स में जाते हैं तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी, यहाँ पे मेजरली आपको दो चीजें मिल जाएगी, ट्रेड भी मिल जाएगा और टेंडर भी मिल जाएगा, दोनों चीजें। तो यहाँ से आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप किस तरह से अनलिमिटेड ऑर्डर एक्सपोर्ट ऑर्डर ले सकते हैं ये आपके हाथ में है, अनलिमिटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर लेना ये आपके हाथ में है। ट्रेड कॉर्पोरेशन कंपनी बांग्लादेश, पेपर मिल्स के रिलेटेड है यहाँ पे आप बांग्लादेश, ये एक्चुअल नंबर है जो यहाँ पे आपको प्रिंट हो रहे हैं, ये एक्चुअल अपना ईमेल आईडीज है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी भी डाला हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे अपडेट करते हैं, लाइक सी हम कुछ भी एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, दिस इज ऑल फ्रॉम बांग्लादेश, वैसे ही सेम एसेंशियल हम लोग बैक जाते हैं, वापिस हम लोग बैक जाते हैं और हम लोग कोई और दूसरी कंट्री, आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री पे आपको जाना है, आप तब तक मुझे कंट्री बताइए, मैं यहाँ पे दूसरा और एक और प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे अनियन आपने लिया हुआ है यहाँ पे, तो अनियन की जगह पे हम और क्या ले सकते हैं, बासमती राइस तो बहुत लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ पे जाता है, फ्रेश ग्रेप्स हो गया है यहाँ पे, तो फ्रेश ग्रेप्स का इंक्वायरी देख लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि मुझे कुछ व्हाट्सएप भी आए थे कि उनके पास में फ्रेश ग्रेप्स हैं, वो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं से इंक्वायरी है क्या फ्रेश ग्रेप्स के लिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, दुबई इज इन, सर वो तो एक सिटी या एमिरेट्स है, जो कंट्री है वो कंट्री यूएई है सर, सो हम लोग यहाँ पे ओके यूएई से देख लेते हैं, लेट्स सी यू पे जाना पड़ेगा हमको, तो यस यूएई से मेरे पास 5 इंक्वायरी आई हुई है, मैंने यहाँ पे यूएई पे क्लिक करा, यूएई से यहाँ पे सेम ये टेंडर्स की इंक्वायरी आपके सामने है, सप्लाई ऑफ पावर, ये टेंडर्स की इंक्वायरी है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली इंडिविजुअल इंक्वायरी नहीं आई है। यूएसए से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेट्स सी एक बार और, अनार ड्रमस्टिक, ओके सर मैं चेक कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड सर, मैं दोनों चीजें पे चल रहा हूँ, कंट्री वाइज भी चल रहा हूँ
प्लस प्रोडक्ट वाइज भी चल रहा हूँ, तो दोनों जो मेरे पास में पोर्टल है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल इंक्वायरी मिल रही है, अगर आपने देखा हो यूएसए के अंदर इंडिविजुअल इंक्वायरी है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शुगर चाहिए, फ्रोजन तिलापिया अपना फिश है वो चाहिए, ये आप डबल जो है सिलेक्ट है, यहाँ पे कंपनी का जो नेम है उनका वो सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे आपको मोर डिटेल पे क्लिक करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उनको आ गई यहाँ पे, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स है, उनका ईमेल आईडी भी है, उनका टेलीफोन नंबर भी है, उनका एड्रेस भी है, उनको क्या डिटेल चाहिए, दे आर लुकिंग टू इम्पोर्ट टू यूएसए 6 to 7 कंटेनर मंथली फॉर फ्रोजन फिश, दे हैव रिक्वेस्टेड टू कनेक्ट देम विद इंडियन सप्लायर और फार्मर्स फॉर फ्रोजन फिश, ये पूरी इंक्वायरी है इनके साथ। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे शुगर भी है, यहाँ पे हवाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम शुगर के बारे में देख लेते हैं, लोग प्रीफर करते हैं शुगर, आसानी से मिल भी जाता है, तो क्या चाहिए उनको शुगर के अंदर, ये उनका एड्रेस है, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ये उनका ईमेल आईडी है, क्या चाहिए, लुकिंग फॉर सप्लायर्स ऑफ शुगर फ्रॉम इंडियन बेस्ड कंपनी 50,000 मैट्रिक टन मंथली यूसेज 50 kg बैग्स। अब मुझे बताइए आपके यहाँ पे ये अनलिमिटेड ऑर्डर्स नहीं है, आपको चाहे आप जहां से भी ऑर्डर लेना चाहें अनलिमिटेड ऑर्डर आपको यहाँ से मिल सकता है, चाहे फिर आप कंट्री वाइज जाइए या फिर अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ फियो पे भी कर देते हैं तो डेली बेसिस पे आप चेक करो, डेली बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कहां से आपको इंक्वायरी आई है। और दूसरे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने फ्रेश ग्रेप्स लिए थे, तो फ्रेश ग्रेप्स का रिक्वायरमेंट अभी मलेशिया में है, देखिए यहाँ पे इंक्वायरी आई है 19 नवंबर का है, हालांकि पुराना है, फरवरी को ये एंड हो जाएगा, ये मलेशिया से इंक्वायरी आई है उनको जो चाहिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका से ये इंक्वायरी आई है फ्रेश ग्रेप्स के लिए, आप अपना देख सकते हैं, ईमेल आईडी उनका दिया हुआ है यहाँ पे भी दिया हुआ है ईमेल आईडी, ये भी साउथ अफ्रीका से इंक्वायरी है, साउथ अफ्रीका से इंक्वायरी, कितनी साउथ अफ्रीका से इंक्वायरीज आ रही है आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये साउथ अफ्रीका का ऊपर, ओके दिस इज द साउथ अफ्रीका, और कोई कंट्री से है, मेजरली साउथ अफ्रीका वाले यूज ज्यादा यूज करते हैं हमारा अपेडा जो यहाँ अपडेट करने के लिए, दिस द थिंग, ओके आई कैन सी दिस, यस इंटरनेशनल जी, प्रकाश जी, कारपेट इसमें नहीं आएगा सर क्योंकि अपेडा एंड दिस है, तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज फाइंड कर सकते हैं जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सीड्स, ऑनियन, ग्रेप्स, क्लॉइस्टर, ड्राइड, डेयरी, ये सब प्रोडक्ट्स का यहाँ पे आपको जहां से भी इंक्वायरी आई होगी वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे वीट हम देख लेते हैं, लेट्स सी वीट का किसी ने इंक्वायरी पुट अप करा है क्या, लेट्स सी, क्योंकि वीट तो अभी मैंने शायद कल ही बताया था क्या, हमने ऑलरेडी वीट जो है वो बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी और कहाँ से इंक्वायरी आ सकती है, तो आप भी यूज करिए, हम भी यूज करते हैं उसके लिए, तो दोनों सब कुछ बेनिफिट रहेगा। टोगो से इंक्वायरी आई है, वाओ, एक तो टोगो से इंक्वायरी आई है, दिसंबर को चल रही है यहाँ पे, सेम बहुत पहले का है ये इंक्वायरी, नहीं ये तो बहुत ओल्ड इंक्वायरीज है, दिस इज नॉट वर्केबल, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये 21 का है ना कि 22 का है लास्ट में, और यहाँ पे आपको ये खत्म भी हो चुका है, इसका एक्सपायर भी हो चुका है, तो ये बहुत ओल्ड हो गया क्योंकि ऑलरेडी अपडेट नहीं है। हम लोग और कोई कंट्री देख लेते हैं यहाँ से, लेट्स सी, और यूएन से हो गया, कहाँ पे और है, श्रीलंका से देख लेते हैं, ये श्रीलंका है, लेट्स सी। हम लोग सिर्फ अभी आज जो है आपको अनलिमिटेड ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के कैसे मिल सकते हैं उसका सोर्सिंग देख रहे हैं, आप लोगों के जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप बायर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी अगर हमें टाइम मिला तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे और इंडिविजुअली कवर करेंगे। तो ये कुछ अपने श्रीलंका की कंपनीज है जो पर्टिकुलरली ये जो देख रहे हैं आप, ये टेंडर्स के लिए इंक्वायरीज होती है मेजरली, जो आप देख रहे हैं अभी नेशनल बिल्डिंग रिसर्च NRBO, ये टेंडर्स होते हैं, ये पूरे टेंडर्स है श्रीलंका के अंदर से जो अभी निकले हैं। और कोई इंक्वायरी हम लोग लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं, पेरू से भी इंक्वायरीज आई हुई है, न्यूजीलैंड है, नामीबिया है, लेट्स सी नामीबिया से एक बार चेक कर लेते हैं, प्रकाश मोर्या जी, मैदा के लिए अभी आप दुबई आप फोकस करिए, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट दुबई के अंदर चल रही है अभी मैदा को लेके, तो डेफिनेटली आप वर्कआउट करिए उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको,
आपको इजीली बायर मिलेंगे. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, वी आर ऑल्सो वन ऑफ दी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ऑफ दी मैदा. तो ये पूरी इंक्वायरीज है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया. ये आपको इन्वेस्टिंग का दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग करना है उनको, ये बहुत बड़े पैमाने पे जाएगा. टेंडर इंक्वायरी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ओपन बिड्स यहाँ पे है. लुकिंग फॉर बायर्स इंडस्ट्रियल, ये आपको वहाँ पे पूरा टेंडर इंक्वायरीज ये इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे. और कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे जो चेक करना है, इसे एक बार क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे कि कुछ बायर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉलनट है, पल्सेस है, अदर फ्रेश मीट्स है, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, सीरियल्स, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, नेचुरल हनी, ये सब है यहाँ पे. अनब जी जो लिंक आपको आया है आप वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको टीम कनेक्ट कर लेगी सर. अगर आपको और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेश कोकोनट इन्फॉर्मेशन, लेट मी चेक, ये आपके अगर स्क्रीन पे दिख रहा है जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा सर. गौरग्राम देख लेते हैं हम लोग, लेट्स सी. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके. ड्रमस्टिक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो फिक्स मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर आएगा सर. नहीं, यहाँ पे गौरग्राम से उसके नहीं है. ओके, मैं यहाँ पे और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीड्स हो गया अपना, फॉरिकल्चर हो गया, ड्राइड हो गया, सीरियल्स, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स. ओके, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स में हम देख लेते हैं, क्योंकि वो जो ड्रमस्टिक है वो वेजिटेबल्स में आता है उसके लिए, तो हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओकरा, मतलब इनको भिंडी चाहिए. जर्मनी के अंदर इनको जो है वो भिंडी चाहिए. ये अभी 23 जैन को ही ओपन हुई है इंक्वायरी. यहाँ पे डच लैंग्वेज चलती है, इसके लिए DE इनका ईमेल आईडी भी है, जो कि प्योर लग रहा है यहाँ से. आप फाइंड आउट कैसे, इसका भी एक ऑथेंटिकेशन है कि आप और कौन से मल्टीपल सोर्स से आप अपना आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि यहाँ पे इंक्वायरी है वो सही है या गलत है. तो ये पूरा डिटेल्स, वी आर लुकिंग फॉर सप्लायर्स फॉर फ्रेश ऑर्गेनिक ओकरा. फिर यहाँ पे जर्मनी के बाद में आइसलैंड है, कुवैत है, इजिप्ट है, इजिप्ट है और कजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है. तो इतनी इंक्वायरीज यहाँ पे आ रही है. तो डेफिनेटली आप इनका सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन भी ले लेंगे आपके हिसाब से, तो भी आप बहुत ढगला बंद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ सकते हैं, जिसको आप फुलफिल करना चाहें जितना चाहें उतना कर सकते हैं. बट ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि उतना बजट भी होना चाहिए आपके पास में वो एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करने के लिए. सो आई होप के आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर आपको ऑर्डर भी फुलफिल करना है, इसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखा था, जो आपने हमें बताया था कि आप बायर कैसे फाइंड करेंगे, तो बायर तो आपको बहुत सारे यहां से आपको वेज फाइंड करने के दो वे मैंने बता दिए, जहां से आपको अनलिमिटेड आप बायर फाइंड कर सकते हैं और आपको एक्सपोर्टर भी मिलता है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से वर्कआउट करना चाहते हैं, दैट इज द थिंग. सो फ्रेंड्स, मैं इजाजत लेता हूं अभी और हम वापिस से लाइव कनेक्ट होंगे मंडे के दिन पे. तब तक के जो भी आपके क्वेरी क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज हनी शर्मा फ्रॉम GFE Group, thank you so much.